हाय हेलो वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग इमोशंस फ्रॉम इनसाइड आउट टू। तो आज की वीडियो में मैं ड्रॉ एंड पेंट करूंगा एनवी एंगर सैडनेस फियर एंड एंजाइटी को। सो नाउ लेट्स मूव। तो हमारी शुरुआत होगी रफ स्केच से। सो नाउ वी आर डन अवर ऑल द रफ स्केचेस। Now let's paint। और शुरुआत करेंगे sadness से। अब आप सोच रहे होंगे sadness क्यों? क्योंकि अगर आपने inside out बन देख रखी है तो आपको पता होगा कि कैसे joy ने sadness को encourage किया था to attract the joy, जिसके पीछे joy पागल हो चुकी थी क्योंकि Riley की life से joy जा चुका था बिल्कुल ही इसलिए। And part one में मैंने joy से start किया था, so this time goes to the sadness। And it is about to done, मतलब ऊपर वाले पोर्शन से ये जो हेड वाला एरिया है। एंड मैं बारीकियों पे भी पूरा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी सैडनेस एकदम रियलिस्टिक लगे, जैसे कि इनसाइड आउट और इनसाइड आउट टू में है। ऑफकोर्स जस्ट सो अमेजिंग एंड रियली दिस प्रैक्टिस प्रोसेस एंड द आइडिया इज रियली रियली अमेजिंग एंड मुझे रियल में मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं। हाँ ऑफकोर्स थोड़ी सी मेहनत है बट इट्स वेरी इंजॉइंग। अब हम स्वेटर बना रहे हैं क्योंकि एंड आई डोंट नो वाई इमोशंस मतलब सैडनेस स्वेटर पहने हुए है। मे बी बिकॉज वो हमेशा सैड रहती है तो शायद उसको स्वेटर की ज़रूरत पड़ती होगी अपनी सैडनेस को ढकने के लिए। सो यस स्वेटर बना रहे हैं एंड उसकी भी बारियों के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी ध्यान दूंगा, उस टेक्स्चरिंग को ऐड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत स्मॉल है ये पूरा, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। अब हम आंसू बना देंगे एंड हमारी सैडनेस डन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंगर। और एंगर है बहुत एंगर यानी कि भड़कीला, और छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है। रेड इसीलिए इसका कलर है एंड सो ऑन। सो नाउ एंजॉय इट। Anger is also done. Now let's move on our anxiety, जो कि है orange and इसी की entry होती है। अगर आपने trailer देखा हो, मैंने inside out 2 देखी नहीं है but मैंने trailer में देखा है कि कितना सारा सामान लेके आता है anxiety with new emotions, जिनमें से एक आप पहले देख चुके हैं, आप बची हुई आप इस video में देखने वाले हैं। So enjoy this. प्रोसेस तो मस्त एंड सेम एंड सिंपल ही होने वाला है ना। सो एंजॉय दिस अलोन एंड विद योर लविंग वंस, व्हाटएवर यू वांट टू, व्हाटएवर यू वांट टू। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हमारा एंजाइटी भी डन हो चुका है। Now let's move on fear, जो कि हमारे अंदर बचपन से डाला जाता है, बिल्ली का फियर, भूत का डर एंड पता नहीं कैसे कैसे डर। ऑफ कोर्स इन आवर इंडियन फैमिली कितने टाइप्स के डर होते हैं हमें खुद नहीं पता, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उन्हें
यू डोंट डिफरेंशिएट करते, सो इट्स रिलेटेड टू द फियर। इससे पहले कि आपको वो सारे डर याद आ जाएं, उससे पहले हम फियर को भी बना करके एक तरफ करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन एनवी, एंड दिस इज सुपर क्यूट एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी लिटिल एज कम्पेयर टू द अदर्स, जितने भी इमोशंस हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, इसके आंखों में बहुत चार्म है जो कि आपको थोड़ी देर बाद दिखने वाला है। एंड इसको भी हम ब्यूटिफुली कम्प्लीट करेंगे। हमने अपनी क्यूट सी, प्यारी सी, राज दुलारी सी, चार्मिंग सी एनवी को भी पेंट कर लिया है। और अब हमारा स्टेप होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये होने वाला है जो आप देख रहे हैं, यानी कि वार्निश को अप्लाई करना ऑन ईच एंड एवरी इमोशंस। और जो पुराने इमोशंस थे उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उनको कट करेंगे सारे इमोशन को एक साथ एंड चिपका देंगे एक सपाट फ्लैट बैकग्राउंड के ऊपर, जैसे कि रैली के हेड में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सो this was it for today's video. Hope you love, like and share this video to jinhe bhi aap jante hain. So this was it and thank you for watching and don't forget to subscribe this channel. Turant ka turant. Now, bye bye.